हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर है, इसे सॉल्व करता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए मैं पेपर को सॉल्व कर दूँगा। तो उसमें आप मैच कर लेना कि कितने आपके सही हैं, कौन कौन से आंसर सही हैं। तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा सी डी। फॉरेस्ट फायर है वो, इसका आंसर होगा। थर्ड का आंसर होगा डी, ट्रेस फॉसिल का यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में। फोर्थ का आंसर होगा डी, कार्बोनिफेरस। फाइव का आंसर होगा बी, 10,000 साल। फॉसिल बनने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को लगभग 10,000 साल पुराना होना चाहिए, बी आंसर होगा। सिक्स्थ का सी आंसर होगा। जुरासिक पीरियड को एक माउंटेन है उसके नाम के आधार पे इसे जुरासिक पीरियड दिया गया है। सेवन का होगा थ्री। एट का होगा बी, पैलियोज़ोइक एरा को सिक्स पीरियड में डिवाइड किया गया है। नाइन का होगा डी, पोजीशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की पोजीशन के बेस पर। टेन का होगा ए, साइकोडियोडेल्स। इलेवन का अभी कंफर्म नहीं है। ट्वेल्व का होगा डी, स्टोबिलस। विलियम्सोनियसी और साइकोडियोडेसी में जो डिफरेंस है वो स्टोबिलस की बेस पर है। थर्टीन का होगा सी। फोर्टीन का होगा डी, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ग्लोब का, वहाँ आइस फॉर्म होता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्लांट ग्रो नहीं करता है। 15 का होगा बी, फ्लैजलेटेड स्पर्म जो उसका करैक्टर है। 16 का होगा सी, एफेड्रा। 17 का होगा सी, एफेड्रा। इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, फोटो सिंथेटिक होता है। 18 का होगा बी, पाइनस। पाइनस की लीव में सिंगल वेन होती है। 19 का होगा डी, बोथ डायरेक्ट एंड ग्रिडल ट्रीज। 20 का होगा अभी कंफर्म नहीं है। 21 का है हैप्लॉइड, जो उसका एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का, वो हैप्लॉइड होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। 22 का होगा ए, फायर। सेरोटोनिन है वो फायर का एक टाइप है, उसमें क्या होता है कि जो कौन वाले जो जिम्नोस्पर्म है उसके कौन में बीज होते हैं, जब ये कौन जल जाता है तो उसके जो बीज होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, इसलिए 22 का होगा फायर। 23 का होगा ए, लैक ऑफ वेसल्स, इसमें वेसल्स नहीं होती हैं जिम्नोस्पर्म में, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 24 का होगा सी, एफेड्रा, जो मॉर्मोंट है वो एफेड्रा से तैयार की जाती है। 25 का होगा, 25 अभी कंफर्म नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 26 का है सेलजनेला, इसकी जो लीव्स हैं वो टू टाइप की होती हैं। 27 का होगा डी, सेलजनेला। सेलजनेला में ट्यूबर पाए जाते हैं जिससे नए प्रकार के पौधे बनते हैं। 28 का होगा बी, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इसमें प्लेक्टोस्टील होती है। 29 का होगा वेनेशन, जो पैट्रिक्सिस है वो जो टेरिडोफाइट की जो लीफ वेनेशन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 31 का होगा सी, एजोला। 32 का होगा लाइकोपोडियम, इसका प्रोटोजाइलम एग्जार्च होता है। 33 का आंसर होगा सेलजनेला रुपेस्ट्रिस, डी आंसर।
34 का आंसर होगा टेरिडोफाइट। क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं। थर्टी फाइव का आंसर होगा डी पेटिफिकेशन, राइनिया पेटिफिकेशन का एग्जांपल है। 36 का आंसर होगा ए अब्सेंस ऑफ ट्रैकीड्स। थर्टी एट का आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है वो स्टील का टाइप नहीं है। 37 का आंसर कंफर्म नहीं है। 39 का आंसर होगा एंथोसिरोस। उसके बाद दो 40 है, उसका आंसर होगा स्फेग्नम। 41 का आंसर होगा एंथोसिरोस। 41 का जो आंसर है वो एंथोसिरोस है, उसमें पाइरिनोइड होता है। 42 का आंसर होगा फ्यूनेरिया। 42 का जो आंसर है वो फ्यूनेरिया है, डी आंसर है 42 का। और 41 का है सी आंसर। उस पर जो क्लिक हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। फोर्टी थ्री का आंसर होगा सी सेक्सिकोलस, जो ब्रायोफाइट्स रॉक्स पे ग्रो करते हैं उसे सेक्सिकोलस कहते हैं। 44 का आंसर होगा फ्यूनेरिया। 45 का आंसर होगा परमियन। 46 का आंसर होगा आर्चिगोनियम, जो कैलेप्टा है मॉस में, वो आर्चिगोनियम से निकलता है। 47 का आंसर होगा प्रोटेक्शन, जो लिवर वर्ट होते हैं इसमें जो ऑयल्स, जो ड्रॉप्स होती हैं उनके थैलस में, वो प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। 48 का आंसर होगा एंथोसिरोस, इसका जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा एंथोसिरोस। 49 का आंसर होगा 3, सी आंसर होगा इसका 3, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो ब्रायोफाइट है उसे लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस में डिवाइड किया गया है। 50 का आंसर होगा वैस्कुलर आर्चिगोनिएट, ये ब्रायोफाइट का सिनोनिम नहीं है, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सिनोनिम नहीं होगा। अन्य सभी प्लांट में, अन्य सभी कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स के हैं। 51 का जो आंसर है वो है क्लेवेट, इसे क्लेवेट कहते हैं। 52 का आंसर होगा B2, यानी कि एग्जाइन है, उसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन, इन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है एग्जाइन को, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा 52 का। 53 का आंसर होगा हनी, जो मिलेटो पेलेनोलॉजी है, वो जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो हनी में जो पोलिन ग्रेन होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। 55 का आंसर होगा मोनाड,
यानी कि जो पोलिंग ग्रेन है वो अगर सिंगल है तो उसे मोनाड कहते हैं, अलग अलग होगा तो सिंगल होगा, तो फिर वो मोनाड आंसर होगा उसका। अगर वो दो के ग्रुप में है तो डायाड होगा, थ्री के ग्रुप में है तो ट्रायाड होगा, इसलिए उसका जो आंसर है वो मोनाड होगा। 55 का आंसर होगा सी, यानी कि थ्री। पोलिंग ग्रेन में जो पोलरिटी होती है वो थ्री टाइप की होती है। 56 का आंसर होगा यू डाइकॉट, जो ट्राइकोल पैट जो पोलिंग है वो यू डाइकॉट का है। 57 का आंसर होगा कॉल्पस ए, 57 का जो आंसर है वो ए है, कॉल्पस। 58 का आंसर होगा 25 to 50, यानी कि बी आंसर होगा 58 का। 59 का आंसर अभी कंफर्म नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका आंसर ये वीडियो अपलोड होने के बाद। सिक्सटी का आंसर होगा ए लाइकोपोडियम, सिक्सटी का आंसर होगा ए लाइकोपोडियम, जो वेजिटेबल सल्फर है वो लाइकोपोडियम से प्राप्त होता है। 61 का आंसर होगा सी, क्योंकि जो पोलिंग ग्रेन है उसकी स्टडी करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 61 का आंसर होगा सी। 62 का आंसर होगा बी पोरस। 63 उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होगा पोरस। 63 का आंसर होगा ए पॉलीगोनम। 63 का जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है उसमें थ्री माइटोसिस होते हैं। 64 का आंसर होगा ए बैट। 65 का आंसर होगा रेन। ओम्ब्रोफिल्ली यानी कि जो पोलिंग रेन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है वो रेन के द्वारा जो होता है वो है। 66 का आंसर होगा डी। 67 का आंसर है डी अपरकुलम, इसे अपरकुलम कहते हैं। 68 का आंसर है वो होगा एपोस्पोरी, सी आंसर होगा 68 का। जो कह रहा अनरिड्यूस एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं, सी आंसर होगा इसका 68 का। 69 का जो आंसर है वो होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो मियोसिस होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो उसके द्वारा 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 70 का आंसर होगा कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल है वो मोनोकॉट में होता है लेकिन डाइकॉट में नहीं होता है। 71 का आंसर होगा ओव्यूल डेवलपमेंट, हाइपरट्रोफस जो इंडिकेट करता है वो ओव्यूल के डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए जो इसका आंसर है वो ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, यानी कि सी आंसर होगा इसका। 72 कह रहा हाउ मेनी टाइप ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के बेस पर कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं एंजियोस्पर्म में, तो वो होगा 4 टाइप के। 72 का आंसर होगा डी, यानी कि 4 टाइप के ओव्यूल्स माइक्रोपाइल के बेस पर होते हैं।
इसके लिए इसका आंसर होगा डी आंसर। आप लोग अपना मैच करते रहें। सेवेंटी थ्री का आंसर है डाइथिकल, यानी कि जो मेजॉरिटी है एंजियोस्पर्म में एंथर की वो डाइथिकल है। वैसे टेट्राथिकल भी होता है, ज़्यादातर जो बुक्स है उसमें टेट्राथिकल का ही डायग्राम बना है, लेकिन जो मेजॉरिटी है जो अधिकतम जो पौधों में पाया जाता है वो डाइथिकल है। 74 का आंसर होगा D4, यानी कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंथर वॉल डेवलप फाउंड, यानी कि एंथर में कितनी टाइप की जो वॉल्स होती हैं, तो वो 4 टाइप की वॉल होती हैं। 75 का होगा एनाटोपस, ये कॉमनली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जो इस टाइप का जो ऑब्यूल्स है एनाटोपस टाइप का, ये कॉमनली प्रेजेंट होता है, इसलिए 75 का आंसर होगा बी एनाटोपस। 76 का आंसर होगा स्पाइरल ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स कई मेनली 4 टाइप की होती हैं, रेटिकुलर स्केलेपॉन पिटेड और स्पाइरल। तो स्पाइरल है, कहीं कहीं आपको रेटिकुलेट भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप स्पाइरल पर क्लिक कर सकते हैं, ये सही आंसर है। 77 का आंसर होगा कैमियम रिंग, मोनोकॉट की रूट आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ, यानी कि मोनोकॉट की जो रूट है वो कैमियम के द्वारा हम पहचान सकते हैं। स्टार्टिंग में इसमें कैमियम नहीं होता है, पेरीसाइकिल से कैमियम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम मोनोकॉट की जो रूट्स है वो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर है इसका। 78 का आंसर होगा प्लीरोम, यानी कि बी आंसर होगा, यानी कि कह रहा है हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वैस्कुलर सिलेंडर रूट में किसके द्वारा बनते हैं, तो वो बनते हैं प्लीरोम के द्वारा, हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लीरोम के द्वारा बनते हैं। 79 कह रहा है विच वन इज नॉट बोथ सेल एंड टिश्यू, तो स्क्लेरन काइमा है, जहाँ तक वो टिश्यू है सेल्स नहीं होती है, क्योंकि वो डेड हो जाता है, इसलिए उसको हम सेल्स ना मान के टिश्यू मान रहे हैं। 80 का आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम, वैस्कुलोकेमियम सबसे पहले सेकेंडरी जाइलम बनाता है, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद फिर सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद फिर सेकेंडरी फ्लोएम, ये क्रम इसका चलता रहता है, सिक्वेंस कंटिन्यूस इस फॉर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। 81 का आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डेड यानी कि मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। 82 कह रहा फ्लोएम बेस आर सीन इन द स्टेम एनाटॉमी विच जीनस, किस जीनस में ये जो फ्लोएम के बेस होते हैं, तो ये है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया को अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्लोएम के वेस पाए जाएंगे, आपको दिखाई देंगे। 83 का आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ कैमियम, यानी कि जो रूट होती है डाइकॉट या मोनोकॉट की, तो उसमें कैमियम स्टार्टिंग में नहीं होती है, और जो पेरीसाइकिल होता है डाइकॉट रूट में, उसी के द्वारा कैमियम बनती है। पहले पूछा गया था जो मोनोकॉट के रूट में क्या स्पेशल करेक्टर, उसमें कैमियम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैमियम अब्सेंट होता है मोनोकॉट में। 84 का आंसर होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्फोटाइप परमानेंट सेल एग्जिस्ट, तो इसका अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं है, कितने टाइप की मॉर्फोटाइप जो सेल्स एग्जिस्ट करती हैं प्लांट में। 85 कह रहा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम फंक्शन इन सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसमें 2 टाइप का फंक्शन करता है सेकेंडरी ग्रोथ। पहला तो है वैस्कुलर कैमियम, वैस्कुलर कैमियम सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, और कोर कैमियम होता है वो कोर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पौधे में छाल का फॉर्मेशन करता है, बार्क कहते हैं इसे, क्लियर। 86 का होगा डी यूस्टील, वैस्कुलर बंडल अरेंज रिंग, एक रिंग में अरेंज होती है, तो इस टाइप की जो स्टील होती है उसे यूस्टील कहते हैं। 87 का आंसर होगा 1, कह रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टील प्रेजेंट इन टिपिकल डाइकॉट रूट, तो उसमें केवल एक प्रकार की ही स्टील होती है एक विशेष डाइकॉट रूट में, इसलिए इसका आंसर होगा वो ए होगा। 88 का आंसर होगा लेमन, जो विंग पेट्योल होता है वो लेमन में होता है, लेमन में देखा जा सकता है, नेरियम गुआवा और बीटल में ऐसा कुछ नहीं होता है,
आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसका साइज सीधा आंसर है सी लेमन। 89 का आंसर होगा मेज मक्का। स्पाइडेक्स है वो मक्का में होगा और किसी में नहीं होगा, मक्का के अलावा बनाना में भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसमें ऑप्शन ना होने के कारण आप मक्के में लगाएंगे, मेज में लगाएंगे, डी आंसर पे क्लिक करेंगे। 90 का आंसर कह रहा है कि विच वन एग्जांपल ऑफ द कोरियक कैरियोप्सिस, तो वीट में भी कैरियोप्सिस का एग्जांपल है और मेज भी कैरियोप्सिस का एग्जांपल है, ये दोनों ही कैरियोप्सिस के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे बुक्स और नेट पर दोनों जगह पर। फिर इनको ये जो पूछा है वो पता नहीं क्यों पूछ दिया उन्होंने। 91 का आंसर होगा बी ओब्यूल। यदि मेगा स्पोरेंजियम में इंटेगुमेंट जुड़े हैं तो उसको हम ओब्यूल कहते हैं, जैसा कि जिम्नोस्पर्म में देखा जा सकता है। 92 का होगा बी पेरीगाइनस। हाइपेंथियम इस प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लावर, जो हाइपेंथियम जो फ्लावर का प्रेजेंस है वो होगा पेरीगाइनस। पेरीगाइनस ओवरी की पोजिशन के बेस पर डिवाइड किया गया है, सुपीरियर इन्फीरियर और पेरीगाइनस, ठीक है, तो इसलिए 92 का आंसर होगा बी पेरीगाइनस। 93 का आंसर होगा बल्बुलकर। एंथर डिसेंस थ्रो पोर कवर्ड बाई ए फ्लैप स्टर्मेस, तो इसका कह रहा है एंथर एक पोर के द्वारा जब फटता है, ओपन होता है, उसमें पोलग्रेन एक पोर्स के द्वारा छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, तो इस किस टाइप का आप उसे बोलते हैं, तो उसे कहते हैं बल्बुलकर। इसका आंसर होगा डी 93 का। 94 कह रहा है पेरीगोनियम इज रेफर्ड टू विच, पेरीगोनियम पेरियंथ होता है, पेरियंथ की ही टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है यहाँ पर, पेरीगोनियम को कैलिस कोरोला एपिकैलिस इन सब को यूज़ नहीं किया गया है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन लिया गया है इंग्लिश फन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। 95 का आंसर अभी क्लियर नहीं है, आपको इसका आंसर बाद में मिल जाएगा। 96 का आंसर देखते हैं, ए सोलन बेस ऑफ ए पेट्रोल इज टर्म एज व्हाट, कह रहा है जो पेट्रोल का बेस होता है वो फूल जाता है, तो उसके लिए क्या कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, क्या शब्द प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो शब्द है वो पल्विनस यूज़ करते हैं वर्ड, तो इसलिए 96 का आंसर होगा डी। जब आप लीप के टाइप या पेट्रोल के टाइप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपको ये बताया जाएगा, शायद आपको कॉलेज में बताया गया हो, यदि नहीं बताया गया है तो आप मेरे कोचिंग सेंटर में आकर इसे पढ़ सकते हैं। 97 का आंसर होगा श्रेणी। कह रहा है कॉजली फाइबरस वर्क स्टर्न मोटे रेसेदार छाल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं श्रेणी, यानी कि एक टर्म यूज़ किया जाता है, तो वो जो टर्म है वो श्रेणी है, ये एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन लिए गए हैं। 98 कह रहा है ए हैबिट इन विच द स्टेम क्रीपिंग और लेइंग फ्लैट व्हाट रूटिंग नोड एज टर्म, ये कह रहा है एक स्टेम है, कोई प्लांट है जो ग्रो करता है जमीन से, चिपक कर सतह से ग्रो करता है, जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं वहीं से रूट भी निकल आती हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा ए प्रोस्ट्रेट, इसे प्रोस्ट्रेट होना चाहिए। 99 का आंसर पूछ रहा है स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ पॉलिन विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो इसका आंसर होगा स्टेम का मॉडिफिकेशन है स्टोलिन, ये मेनली डहेलिया में देखा जा सकता है, ये जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड होकर फूड स्टोर कर लेता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में से बचाता है। 100 का आंसर होगा इंडेक्स फॉसिल है जिसका यूज होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टाइम पता करने के लिए, जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में पता करने के लिए, यानी कि ये कोई सी चीज़ कितनी पुरानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर टावा रोड तिवारी प्लेस पर आकर पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।